सब्सक्राइब कीजिए एमडीएम टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। फाइनली रियलमी ने रियलमी 11 प्रो एंड प्रो प्लस के अंदर अगस्त मंथ का सिस्टम अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और यह जो अपडेट है मुझे कल ही के दिन रिसीव हुआ। इस अपडेट का वर्जन कौन सा है, साइज कितना है, इस अपडेट को करने के बाद हमारे फ़ोन से क्या कुछ चेंजेस किया गया है और गेमिंग परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो पर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग से होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं इस फोन के अपडेट की बात करूं तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो, ये जो अपडेट है Realme UI 5.0 विद Android 14 के साथ आता है। अगर मैं इसके यहां पर साइज की बात करूं तो 2.06 GB के आसपास हम यहां पर देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं इसके ऑफिशियल वर्जन की बात करूं, आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो 14.0.0.900 हम यहां पर शो हो जाता है। बेसिकली Realme ने इस अपडेट के थ्रू इस डिवाइस से क्या कुछ बग को फिक्स किया है उसको चेकआउट करने के लिए आप इसका ऑफिशियल पेज देख सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर आपको अगस्त 2024 का सिक्योरिटी पेज देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट लाया है, ऐसा Realme का कहना है। अब यहाँ पर तो एक बात साफ हो गया, हर अपडेट के अंदर Realme ये दोनों मतलब पेज को नोटिस कर देता है, सिक्योरिटी एंड सिस्टम। चाहे Realme का छोटा अपडेट हो या फिर बड़ा, हर अपडेट के अंदर Realme सिक्योरिटी एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग हर अपडेट के अंदर ये पेज को ऐड कर देता है। अब यहाँ पर देखो, Realme ने तो अपना राय एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इस अपडेट को अपने फ़ोन पर कंप्लीट करके इंस्टॉल भी कर लिया हूँ। अब मैं अपने तरीके से इस अपडेट को करने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपडेट के बाद इसका जो यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, इसका कैमरा कैसा है, बैटरी हेल्थ में कितना परसेंट डिक्रीज आया है, वो सब कुछ अभी मैं चेकआउट करने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ अपने फ़ोन का कैमरा, क्योंकि अपडेट के बाद इसका कैमरा क्वालिटी भी मुझे यहाँ पर चेकआउट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अब मैं अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिया। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, स्विच करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो आराम से यहाँ पर हो जाता है, बट थोड़ा सा स्लो है। आपको यहाँ पर उतना स्पीड से वर्क नहीं करेगा, आपको मतलब थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप इजीली यहाँ पर स्विच कर सकते हो। उतना भी यहाँ पर फास्ट हुआ नहीं। अगर आप यहाँ पर फोटो पर आके मल्टीपल टाइम प्रेस करते हो, आप यहाँ से इस टाइप से देख सकते हो, तो आपका जहाँ पर फोटो है वो अच्छे से कैप्चर हो जाएगा, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, अपडेट को कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने फ़ोन से कुछ यहाँ पर रियर कैमरा एंड सेल्फी कैमरा से कुछ मैंने पिक्चर क्लियर मतलब यहाँ पर शूट किया था, आप यहाँ पर इसका चेकआउट कर सकते हो। ये था मैंने अपने फ़ोन के रियर कैमरे से लिया अपडेट करने के बाद, तो आप इसका क्वालिटी दोनों चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो इसका डिटेलिंग कितना ज़्यादा बेटर निकल कर आता है। अपडेट करने के बाद भी इसका जहाँ पर फोटो का क्वालिटी है वो कहीं पर भी मुझे डिक्रीज देखने को नहीं मिला। फोटो का क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखता है। आप यहाँ पर चेकआउट करके बताओ कि आपको इन दोनों मतलब रियर कैमरा का फोटो क्वालिटी कितना ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस फोटो को मैंने अपडेट करने के बाद इस डिवाइस से सेल्फी कैमरे से ये फोटो मैंने शूट किया। आप इसका डिटेलिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको जो फोटो का क्वालिटी है वो कितना ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। अगर मैं नेक्स्ट चेंजेस की बात करूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि Realme 11 Pro Plus 5G एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आपको बैटरी हेल्थ का फीचर देखने को मिलता है। Realme 11 Pro Plus के अलावा Realme के किसी भी फ़ोन पर हमें बैटरी हेल्थ का फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो चलो अपडेट करने के बाद बैटरी हेल्थ का जो फीचर है उसको भी चेकआउट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखो, मैं आ गया हूँ बैटरी हेल्थ, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बैटरी हेल्थ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अपडेट करने के बाद हमारा जो बैटरी हेल्थ है वो मैक्सिमम कैपेसिटी 97% है। इसका मतलब एक बात साफ हो गया, अपडेट करने से पहले भी मेरे यहाँ पर 97% ही था। तो चलो अपडेट करने के बाद भी यहाँ पर बैटरी हेल्थ का जो परसेंट है वो बिल्कुल भी डिक्रीज हुआ नहीं है। तो गाइज, अब मैं इस फोन पर तगड़ा गेमिंग BGMI टेस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज 90% यूजर्स जो होते हैं वो गेमिंग से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने अपने फ़ोन पर गेम को ओपन कर लिया है। गेम प्ले करने से पहले इसके यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स एंड FPS में आपसे चेकआउट करा देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, स्मूथ पर एक्सट्रीम यानी इजीली 60 FPS तक गेम प्ले कर सकते हो, बैलेंस्ड पर यहाँ पर अल्ट्रा, HD पर भी अल्ट्रा, HDR पर आप यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हो, अल्ट्रा पर यानी 40 FPS तक सपोर्ट कर देता है। बट अगर आप यहाँ पर अल्ट्रा HDR पर आते हो तो आप यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब अब मैं गेम प्ले करने वाला हूँ स्मूथ पर एक्सट्रीम, वो भी कलरफुल मोड पर, ठीक है। तब यहाँ पर ओके पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर गेमिंग गेम प्ले करने वाला हूँ, वन में स्टेडियम गेम प्ले करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जायरो मतलब फुल जायरो प्लेयर हूँ मैं, तो यहाँ पर जायरो को ऑन रखूँगा। प्रो गेमर मोड पर गेम प्ले करने वाला हूँ। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको यहाँ पर सिस्टम स्टेटस है उसको भी यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, ताकि आप यहाँ पर जो है FPS तो होता रहे। आप यहाँ पर देख सकते हो FPS तो हो जाता है। तो चलो आप लोग डायरेक्ट गेम इन्जॉय करो। अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ तो 3:30 हो चुका है।
अगर मैं अपने फ़ोन के अंदर बैटरी की बात करूँ तो मेरे फ़ोन पर बैटरी है फिलहाल 97%। वन मैच गेम प्ले करने के बाद मैं आप सभी के साथ डायरेक्ट मिलता हूँ। फाइनली गाइज मैंने वन मिनट स्टेडियम कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं गेम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर चार्जिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, 97% था, बट वन मिनट गेम प्ले करने के बाद मेरे फ़ोन पर 95% चार्ज है। यानी वन मिनट स्टेडियम कंप्लीट करने के बाद मेरे फ़ोन को जहाँ पर बैटरी है वो 2% ड्रेन हुआ है और मेरे जहाँ पर ब्राइटनेस है वो मैंने फुल पर रखा था। अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हो 3:38 हो चुका है, यानी मैंने गेम प्ले किया था 3:30 पर। 8 मिनट का गेम प्ले करने के बाद फुल ब्राइटनेस के साथ मेरे फ़ोन पर 2% बैटरी डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर बैटरी का परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंप्रूवमेंट लाया है इसका, बैटरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाया है अपडेट के बाद। अगर मैं इसके गेमिंग के एक्सपीरियंस की बात करूँ, इसके एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा बेटर नहीं था। जब भी आप गेम प्ले करोगे तो आपको थोड़ा सा लेगिंग वाला इशू होगा, बिकॉज इसका जो मतलब प्रोसेसर है उतना ज़्यादा गेमिंग के लिए परफेक्ट नहीं है। ये एक मल्टीमीडिया मतलब यूजर्स के लिए जो प्रोसेसर है उसके लिए बेटर होता है। अगर आप गेम प्ले करने के लिए इस फ़ोन को परचेस करते हो तो आप बिल्कुल भी मत परचेस करना, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फ़ोन मिल सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना, मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।